दुमका में गैर भाजपाई संयुक्त घटक दलों का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग। पटना में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, बढ़ती महंगाई और कृषि कानूनों का किया विरोध, कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे। पाकुड़ में जिला परिषद की बैठक, नए प्रखंड को बनाने का प्रस्ताव किया गया पारित, नए प्रखंड का रखा गया नाम संग्रामपुर। और लहरी में रिलैक्सो की नकली चप्पल की बिक्री का खुलासा, दो आरोपी किए गए गिरफ्तार, 5 लाख के नकली उत्पाद को किया गया जब्त। नमस्कार, ब्रिटेन में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। दुमका के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के गैर भाजपाई संयुक्त घटक दलों ने धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। इन मांगों को कोविड-19 में जान गंवाने वाले परिजनों को उचित मुआवजा देने, सभी शिक्षण संस्थानों को खुलवाना सुनिश्चित करने, तीन कृषि कानून को वापस लेने जैसी मांगों को शामिल किया गया। आपको बताते चलें, घटक दलों में कांग्रेस, जामुओ, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि शामिल थे। नाम का कितना में बिजना पड़ता है? देश में आंदोलन किसानों जो मांगे हैं केंद्र सरकार के द्वारा उन पर थोपे गए 3 डेथ वारंट, हम उसे काला कानून ही नहीं, वो उनके लिए डेथ वारंट है, उसको वापस लेने के लिए आज पूरे देश में संयुक्त विपक्ष की ओर से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। और उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग दुमका जिले में भी इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। आज UPA गठबंधन द्वारा किसान के समर्थन में आज सभी हम लोग धरना पर बैठे हैं। जो केंद्र की सरकार है ये किसान विरोधी नीति, जन विरोधी नीति, लोकतंत्र को बचाना है और इसीलिए हम सब पूरे देश में सभी विपक्षी दलों का गठबंधन हुआ है। हम किसी कीमत पर इस देश के लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लेते हैं। दुमका के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के गैर भाजपाई संयुक्त घटक दलों ने धरना प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी तादाद में यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। इन मांगों में कोविड-19 में जान गंवाने वाले परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है, तो वहीं सभी शिक्षण संस्थानों को खुलवाना सुनिश्चित किया जाए ये भी मांग रखी गई है और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, ये मांगे शामिल हैं। आपको बताते चलें, घटक दलों में कांग्रेस, जामुमो और राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि शामिल थे। देश विरोधी मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे। लगातार बढ़ती महंगाई, कृषि कानून और निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला और कहा गया कि हम देश का अगला भविष्य राहुल गांधी को ही बनाएंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, बढ़ती महंगाई और कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अगला भविष्य देश का राहुल गांधी को ही बनाया जाएगा। देश विरोधी मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देश विरोधी मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। लगातार बढ़ती महंगाई, कृषि कानून और निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला है जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हम देश का अगला भविष्य राहुल गांधी को ही बनाएंगे।
हमारी राजनीति 40 साल से ऊपर की, आज तक ऐसा कभी हमने सरकार नहीं देखा। बहुत सरकार आई गई, अच्छे हुआ कांग्रेस से भी गलती हुई, हम लोग भी आ रहे, हम मंत्री भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन आज प्रश्न है कि पटना यूनिवर्सिटी में लालू जी, नीतीश जी, हम लोग साथ थे, नारा लगाते थे पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विद्यालय बनाओ, पटना यूनिवर्सिटी से बढ़िया कोई कॉलेज नहीं है। आज क्या हो गया? आज साइंस कॉलेज का, पटना कॉलेज का, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र कोचिंग में पढ़ता है। पाकुड़ के सूचना भवन सभागार में कार्यकारी प्रधान जिला परिषद बाबूधन मुर्मू की अध्यक्षता में सदर प्रखंड पाकुड़ को दो भाग में बांटने को लेकर के बैठक की गई। वहीं बैठक में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनमोल कुमार सिंह ने कहा कि पाकुड़ प्रखंड को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव मिला जो काफी समय से लंबित था, जिसे पंचायत स्तर पर ग्राम सभा और पाकुड़ की पंचायत समिति ने पारित किया। वहीं इसको जिला परिषद के सदस्यों द्वारा पारित किया गया है। आपको बता दें कि आज की बैठक में पाकुड़ प्रखंड के को दो भागों में बांटने को लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें एक प्रखंड का नाम पाकुड़ प्रखंड और नए प्रखंड का नाम संग्रामपुर रखने की बात कही गई है, जिसमें 15 पंचायतों को नए प्रखंड में देने की बात कही गई है, जिसे जिला परिषद के सदस्य ने पारित किया है। जिला परिषद की बैठक पाकुड़ को दो भागों में बांटा गया है। पाकुड़ के सूचना भवन सभागार में कार्यकारी प्रधान जिला परिषद बाबूधन मुर्मू की अध्यक्षता में सदर प्रखंड पाकुड़ को दो भाग में बांटने को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया। वहीं बैठक में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनमोल कुमार सिंह ने कहा कि पाकुड़ प्रखंड को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव मिला है जो कि काफी समय से लंबित था, जिसे पंचायत स्तर पर ग्राम सभा और पाकुड़ की पंचायत समिति ने पारित किया है। वहीं आपको बताते चले जिला परिषद के सदस्यों द्वारा पारित किया जाना है। आज की बैठक में पाकुड़ प्रखंड को दो भागों में बांटने का जो प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें एक प्रखंड का नाम पाकुड़ प्रखंड और नए प्रखंड का नाम संग्रामपुर रखने की बात कही गई है, जिसमें 15 पंचायतों को नए प्रखंड में देने की बात कही गई है और जिला परिषद के सदस्य ने इसे पारित किया है। और माननीय सदस्यगण की उपस्थिति में एक बैठक हुई है, जिसमें कि पाकुड़ प्रखंड को दो भाग में विभाजन करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। ये बहुत लंबे समय से लंबित था, तो अभी जो क्राइटेरिया होना चाहिए था उसके आलोक में ग्राम पंचायत स्तर से ग्राम सभा करके उसको पारित किया गया। लहरी थाना पुलिस ने रामचंद्रपुर में छापेमारी कर रिलैक्सो कंपनी की नकली चप्पल बिक्री का खुलासा किया। वहीं दो दुकानों से करीब 5 लाख के नकली उत्पाद के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। इधर थाना अध्यक्ष सुबेद कुमार ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों की सूचना पर कार्रवाई की गई है, जिसमें नकली उत्पाद के साथ दो दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें इन दिनों पुलिस लगातार मल्टीनेशनल कंपनियों के नकली उत्पाद की बिक्री और निर्माण का खुलासा कर रही है, जिससे धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले पुलिस ने बड़ी कंपनियों के नकली उत्पाद निर्माण का खुलासा किया था, जिसमें लहरी पुलिस ने नकली जींस शर्ट बेचने के आरोप में दो लोगों को पकड़ा था। रिलैक्सो की नकली चप्पल बिक्री का खुलासा किया गया, दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं 5 लाख के नकली उत्पाद को भी जब्त किया गया है। लहरी थाना पुलिस ने रामचंद्रपुर में छापेमारी करके रिलैक्सो कंपनी की नकली चप्पल बिक्री का खुलासा किया। वहीं आपको बताते चलें दो लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, तो वहीं नकली उत्पाद के साथ 5 लाख नकली उत्पाद भी बरामद किया गया है। इधर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों की सूचना पर कार्रवाई की गई है, जिसमें नकली उत्पाद के साथ दो दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले इन दिनों पुलिस लगातार मल्टीनेशनल कंपनियों के नकली उत्पाद की बिक्री और निर्माण का खुलासा कर रही है। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती चली जा रही हैं, जिसमें एक फिर से बड़ी सफलता मिली है धंधेबाजों में इस कार्रवाई से, हड़कंप मचा हुआ है। इससे पहले पुलिस ने बड़ी कंपनियों के नकली उत्पाद निर्माण का खुलासा भी किया था, जिसमें लहरी पुलिस ने नकली जींस शर्ट बेचने के आरोप में दो लोगों को पकड़ा था। हमारे कंपनी को, मैं रिलैक्सो फुटवेयर से हूँ, और हमारे कंपनी को ये पता चला था कि यहाँ बिहार शरीफ में डुप्लीकेट स्पार्क स्लीपर और स्पार्क स्लीपर बेचा जा रहा है, तो हम लोगों ने इसकी सूचना जो है SHO लहरी थाना को दिया, और फिर उसे सहायता मांग के हम लोगों ने रेड की, जहाँ हमारे कंपनी का रिलैक्स होगा।
दुमका में जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा मिली कोविड केयर किट का वितरण किया गया। कलेक्ट्रेट स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय कक्ष में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर ने किट बांटी है। इस मौके पर अनीता कुजूर ने कहा कि सभी संस्थान दिए गए किट का इस्तेमाल नियम अनुसार करें। आपको बता दें, इस किट में ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, मास्क, दवाइयां आदि शामिल हैं। कोविड केयर किट का वितरण किया गया है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने इसका वितरण किया है। दुमका में जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा मिली कोविड केयर किट का वितरण किया गया है। कलेक्ट्रेट स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय कक्ष में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता कुजूर ने किट बांटी है। इस मौके पर अनीता कुजूर ने कहा कि सभी संस्थान दिए गए किट का इस्तेमाल नियम अनुसार करेंगे। आपको बताते चलें, इस किट में ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, मास्क, दवाइयां शामिल है। कोविड किट केयर का वितरण किया गया है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने इसका वितरण किया है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। नीतियां बनाने वालों की क्या है जिम्मेदारी? हमारी नजरों से नहीं है बचने वाली। जनता के मुद्दे उठाने की हमने है ठान। कौन, कैसे और क्या करता है निर्वहन अपनी जिम्मेदारी? देखिए जल्द वीआईपी न्यूज पर। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। हर खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। ग्राउंड जीरो से हम दिखाएंगे कुर्सी तक का सफर। जिम्मेदारों की जवाबदेही की क्या है कहानी? जनता की समस्या हो या सरकार की योजनाएं, हर एक से सवाल पूछने की हमने है ठान। नया अंदाज, नया तेवर, देखिए वीआईपी न्यूज का नया कलेवर। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर। सैटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल वीआईपी न्यूज के भोपाल स्थित कार्यालय में निम्न पदों की भर्ती हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता है। पद संपादक, उप संपादक, प्रबंध संपादक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट मार्केटिंग मैनेजर एवं सदस्य, कॉपी एडिटर, वीडियो एडिटर, इनपुट टीम, आउटपुट टीम, एंकर, टेक्निकल स्टाफ, एमसीआर, पीसीआर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, चालक, ओवीवैन चालक एवं इंजीनियर, ऑफिस गार्ड। आवेदन करने के लिए संपर्क करें डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, मोबाइल नंबर 9109161
9910, पता D9 गीतांजलि कॉम्प्लेक्स माता मंदिर PNT चौराहे के पास भोपाल मध्य प्रदेश। VIP पर खबरें बड़ी और खास होगी, असल वजहों की VIP को तलाश होगी, खुलेंगी पड़ते जहन में बैठे हर सवाल, हर एक छोटे से बड़े मुद्दे पर बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए अहम। जानना है हमारी जिम्मेदारी, देखिए VIP न्यूज अब एयरटेल नंबर 348 पर, साथ ही YouTube MX प्लेयर पर भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैमूर जिले के भभुआ सदर अस्पताल में थर्ड जेंडर के करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने HIV की जांच करवाई, उसके बाद उन्होंने मेल फीमेल से लेकर थर्ड जेंडर के लोगों को भी HIV जांच करवाने के लिए अपील की है। वहीं जांच कराने आई नैना नाम की किन्नर ने बताया कि देश में लगातार खतरनाक बीमारियां अपने पांव पसार रही हैं, जिसको लेकर के देश के सभी लोगों में डर बना हुआ है। इसके साथ ही HIV भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर के हम अपने आधा दर्जन से अधिक किन्नरों को लेकर भभुआ सदर अस्पताल में HIV जांच करवाने के लिए आए हैं। आए थे, बोले कि चलो HIV जांच करा लेते हैं, और सब नागरिकता है, सबको कराना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। हम ही लोग को थर्ड जेंडर हो या मेल हो या फीमेल हो, सबको कराना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में जो बच्चे जन्म रहे छोटे छोटे, माँ बाप के चलते उनको भी हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग बोले आज सेफ्टी के लिए अपना यहाँ आए हैं, कि अपना सेफ्टी के लिए सबका ठीक है, नॉर्मल है, हम लोग जा रहे हैं, फिर अपने 3 महीने के बाद आ जाएंगे मन कर। दुमका पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। लेड कारखाना की आड़ में अवैध हथियार बनाने वाले के गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ पुलिस ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को फोन के माध्यम से अवैध हथियार बनाने का कारोबार का पता चलता है। पुलिस अभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद ही पता चल सकेगा कि अवैध हथियार बनाने का काम कौन कर रहा था इसमें, और कौन कौन लोग शामिल है, और हथियारों की सप्लाई आखिरकार कहां से की जा रही थी। अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है, गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, एक बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है। आपको बताते चले, दुमका पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। लेड कारखाना की आड़ में अवैध हथियार बनाने वाले के गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ पुलिस ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये सामान बरामद हुआ है जिससे हथियार बनाए जाते थे, तो वहीं बड़ी सफलता पुलिस को यहां पर हाथ लगी है, ये हम कह सकते हैं। 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इनका जो गिरोह है वो कहां कहां तक फैला हुआ है, कहां से हथियारों की सप्लाई की जाती थी, कौन ऑर्डर देता था और किसको ये हथियार भेजे जाते थे, इन सभी के बारे में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही और ज्यादा जानकारियां हासिल हो पाएंगे, इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी पता चल पाएगा पूछताछ के बाद ही। फिलहाल दुमका पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले के गिरोह का पर्दाफाश किया, एक बड़ी सफलता दुमका पुलिस को हाथ लगी है। लेड कारखाना की आड़ में अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह के 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इनका गिरोह कहां कहां तक फैला था, कौन हथियारों का ऑर्डर देता था और किसके द्वारा हथियारों की सप्लाई की जाती थी।
सहरसा जिले में 8 साल की बच्ची की कोसी नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना नौहट्टा थाना क्षेत्र के डुमरा बांध के पास की बताई जा रही है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान जयनाथ मिस्त्री की 8 साल की बेटी दुर्गा कुमारी के रूप में की गई है, जो नौहट्टा थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि बुधवार के दिन जितिया पर्व के अवसर पर अपनी माँ के साथ बच्ची डुमरा बांध के पास कोसी नदी में नहाने गई थी। इसी दौरान बच्ची डूबने से लापता हो जाती है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तकरीबन 2 घंटे बाद बच्ची का शव बरामद किया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 8 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। कोसी नदी में डूबने से बच्ची की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। कल जितिया पर्व था, सब बाल बच्चे सब मिल कर गया नहाने के लिए, महिला हुआ उसी तरह में डूब गया। हम लाए पोस्टमार्टम कराने। कल सुबह कोसी नदी में नहाने के लिए गया, वहाँ पे नहाया, पर्व था। नहा के जब निकला तो बच्चे को खोजबीन करने लगा, लेकिन बच्चा नहीं मिला। बहुत खोजबीन करने के बाद कोसी नदी में ही सब मिला। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।